तो हाल फिलहाल में दोस्तों अभी बजाज कंपनी का ही उनका जो अपकमिंग है कि न्यू 125 सीसी वाला पल्सर है ना, तो उसको फिर से देखने को मिला है भाई रास्ते को चलते हुए टेस्टिंग के दौरान। बाकी बात कुछ ऐसा ही है कि ये जो न्यू एन 125 वाला बाइक है या फिर ये 125 सीसी वाला जो ये बाइक है, तो इसके बारे में कुछ न्यू डिटेल सामने आए हैं और एक कलर ऑप्शन भी देखने को मिला है जो कि आगे आपको मैं बताऊंगा इसी वीडियो के अंदर। तो वीडियो को पूरा देखते रहना। तो मैं हूं अंकन कर्मकार, आप देख रहे हो कर्मकार ब्लॉग्स। तो वीडियो को पूरा देखते रहना, शुरू करते हैं आज के वीडियो। तो दोस्तों अभी हाल फिलहाल में फिर से एक बार देखने को मिला है बजाज कंपनी का ही अपकमिंग उनका एक न्यू 125 सीसी वाला पल्सर बाइक, और जैसे ही देख सकते होंगे आपके सामने ही है। वैसे ये जो बाइक है ना, तो इसके बारे में कुछ न्यू डिटेल्स अभी सामने आए हैं, जिसके अंदर पहले बात तो कुछ ऐसा ही सामने आया है कि ये जो बाइक है ना, तो इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा जो मीटर कंसोल, तो वो पूरे तरीके से ही डिजिटल वाला होने वाला है। हालांकि भाई ये जो बात है ना, तो ये ऑफिशियली कॉन्फर्मेशन के साथ में नहीं है, लेकिन बात कुछ ऐसे है कि ये जो न्यू बजाज पल्सर एन 125 या फिर 125 सीसी वाला ये जो मॉडल है ना, तो इसके अंदर बोला कुछ यही जा रहा है कि एक ब्लू कलर वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा, जिसका ये थोड़ा सा फाइबर वाला जो पार्ट है ना, तो वो देखने को मिला है। जैसे कि देख ही सकते होंगे आपके सामने ही है, मतलब ये जो बाइक है ना आपके सामने, तो ये ब्लू कलर वाला ही मॉडल है अपकमिंग एक 125 सीसी वाले पल्सर बाइक का। वैसे आपको मैं ये भी बता दूं कि ये जो न्यू 125 सीसी वाला जो पल्सर आएगा ना, तो इसके अंदर भी आपको जो इंजन देखने को मिलेगा, तो वो भी एक 125 सीसी वाला ही सिंगल सिलेंडर वाला टू वाल्व वाला इंजन होने वाला है। मतलब जो एक्सपेक्ट किया रहे तो वही है, जो कि एक भाई एयर कूल वाला ही इंजन होने वाला है, सिंगल सिलेंडर वाला, जो कि मैक्सिमम पावर जो प्रोड्यूस करेगा ना, तो वो है ऑलमोस्ट 12 bhp के अंदर, और ये जो इंजन मैक्सिमम टॉर्क जो प्रोड्यूस करेगा ना, तो वो भी है ऑलमोस्ट 12 nm के ही अंदर, जो कि भाई देखने को मिलेगा 5th स्पीड के गियरबॉक्स के साथ में। बाकी बात कुछ यही है कि ये जो बाइक है ना, तो इसके अंदर आपको देखने को मिलने वाला है जो ब्रेकिंग सिस्टम ना, तो वो भी भाई डिस्क ब्रेक के साथ में कॉम्बाइन ब्रेकिंग सिस्टम है ना, तो वही कुछ देखने को मिलेगा। मतलब एक्सपेक्ट तो भाई बिल्कुल भी ये मत करना कि ये जो बाइक है तो इसके साथ में एक सिंगल चैनल ABS देखने को मिलेगा। और इसके अलावा तो ये भी कुछ बात है कि ये जो न्यू बजाज का ही अपकमिंग उनका जो कि 125 सीसी वाला पल्सर है ना, तो इसके बारे में भी एक और न्यू चीज सामने आया है, मतलब कि लॉन्च के बारे में ही कुछ सामने आया है कि भाई एक्सपेक्ट यही किया जा रहा है कि ये जो न्यू उनका अपकमिंग पल्सर जो है ना 125 सीसी वाला, मतलब बजाज का ही, तो ये भाई आज से लगभग 3-4 महीने के ही अंदर जो है, तो वो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इसी इंडियन मार्केट के अंदर लॉन्च होने वाला है। बाकी आप लोग एक और भी चीज देख ही सकते कि ये जो बजाज पल्सर का ही जो अपकमिंग 125 सीसी वाला ये जो मॉडल है ना, तो इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा भाई एक जो सिंगल हैंडल बार जो है, तो वो जैसे कि देख सकते होंगे आपके सामने ही है। बाकी ये जो बजाज का ही पल्सर का ही अपकमिंग 125 सीसी वाला ये जो मॉडल है ना, तो इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा जो सस्पेंशन सेट है, तो वो आपके सामने ही है। जैसे कि देख सकते होंगे सामने टेलीस्कोपिक सस्पेंशन और पीछे जो मोनोशॉक एब्जॉर्बर है, तो वो, और इसके ही साथ ये भी है कि ये जो बजाज का ही पल्सर का ही न्यू ये जो 125 सीसी वाला मॉडल है, तो ये स्प्लिट सीट के साथ में है, जैसे देख सकते होंगे आपके सामने ही है। बाकी बात कुछ ऐसे है कि जो लाइट्स का सेटअप है ना, तो वो होने वाले इस वाले बाइक के अंदर जो मेन हेडलाइट वाला जो पार्ट है, तो वो LED के अंदर एक्सपेक्ट तो यही किया जा रहा है। बाकी भाई जो लाइट्स का सेटअप, मतलब जो टर्न इंडिकेटर्स वगैरह जो भी है, तो ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि हैलोजन वाले के ही अंदर जो है, तो वो कुछ देखने को मिलेगा। तो ये वाला वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट में बोल दो भाई, और अगर ये वाला वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते हुए जाना। और सब्सक्राइब करने के लिए इसलिए बोलता हूं क्योंकि सब्सक्राइब करने से आप लोग ऐसे ही तरीके का और भी कई सारे कुछ वीडियोस हर दिन देख सकते हो इस वाले चैनल पर। तो वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, अगली बार फिर से मुलाकात होगा दोबारा। थैंक यू गाइस।